हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज इन दिस करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज लेक्चर हम एम सी क्यू नहीं करेंगे और इसके अंदर अगेन हम जो इम्पोर्टेंट कुछ रिपोर्ट्स हैं उनकी फाइंडिंग्स को देखेंगे रिपोर्ट्स के ऊपर आप सोच रहे होंगे सर इतना ज़्यादा फोकस क्यों है क्योंकि बेटा मेरे को पता है कि ओवरऑल एक से दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपके रिपोर्ट्स में से आनी आने ही आने हैं ठीक है थीके? तो डेफिनेटली इसीलिए इम्पोर्टेंट है और कराने को मैं इसको एक लेक्चर में भी करा सकता हूँ दो घंटे के पर उसका कोई फायदा नहीं होगा तो इसीलिए बीच बीच में बीच बीच में मैं ये डालता जा रहा हूँ तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर इतने लेक्चर क्यों वो आपका काम नहीं है आपका काम है सिर्फ पढ़ना ठीक है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो सो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज और एग्जाम क्योंकि पास है तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि लेक्चर सुनते सुनते ही आधी चीज़ें याद हो जाए ओके एंड पीडीएफ के लिए तो आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स जरूर एक्सप्लोर करना है यूपीएससी ईपीएफओ कोड यूज़ करके आपको इसके अंदर फिफ्टी परसेंट ऑफ भी मिल जाता है आई थिंक ये कोर्स आपको लेना चाहिए यूट्यूब की जो पी फाइल्स हैं उसका भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक्सेस आ जाता है काफी बच्चे पी डी फाइल्स के लिए भी एक्सेस ले रहे हैं बट उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एम कॉम्बो कोर्स लें क्योंकि डिफरेंस इसके अंदर कुछ नहीं है दो सौ का डिफरेंस है और लेकिन जो आपको बेनिफिट उसके अंदर मिलेगा वो दो सौ से कहीं ज्यादा का होगा ओके चलिए सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट और सबसे पहले हम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है तो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है और ये जो रिपोर्ट होती है एक सर्वे होता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे इस सर्वे के बेस पे इस रिपोर्ट को निकाला जाता है और रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि दो में जो सबसे बड़ा रिस्क है अगले दो सालों के लिए दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि दैट विल क्रिएट अ क्राइसिस ओके एंड अगले दस सालों में जो सबसे बड़ा रिस्क होगा दैट विल दैट विल बी बायोडायवर्सिटी लॉस एंड इको सिस्टम तो शॉर्ट टर्म यानी कि अगले दो साल में कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी द बिगेस्ट ग्लोबल रिस्क एंड अगले दस सालों में अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस और इको सिस्टम कोलैप्स जो है वो सबसे बड़ा लॉस होगा और जो नए थ्रेट्स हैं जो अराइज हो रहे हैं अराउंड द इज जियो इकोनॉमिक कंफ्रेंट्रेशन जो हो रही है बेसिकली जो इकोनॉमिक कंफ्लिक्ट चल रहे हैं कंट्री के बीच में सोशल कोहेशन का जो कमी आ रही है डिफरेंट कम्युनिटीज में सोसाइटल पोलराइजेशन हो रहा है ठीक है साइबर क्राइम साइबर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है और इनवॉलेंट्री माइग्रेशन लार्ज स्केल जो हो रही है इनवॉलेंट्री माइग्रेशन एक तरीके से फोर्स माइग्रेशन होती है ना फोर्स माइग्रेशन इज नॉट ऑलवेज कि आपको किसी ने किडनैप करके या स्मगल करके ले आया या जो जिसको आप बोलते हो कि आ, फोर्स है ठीक है इनवॉलेंट्री तब भी हो सकती है For example, आप climate risk आ गया आपकी जगह जगह पे आपको वो वो छोड़ के भागनी पड़ रही है है तो वो भी एक तरीके से involuntary है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते नहीं थे वहाँ पर कंडीशन ऐसी होगी कि आपको माइग्रेट करना पड़ रहा Next है नेक्स्ट है सिप्री रिपोर्ट 2023 तो सिप्री रिपोर्ट बेसिकली स्टॉक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है और ये बेसिकली ग्लोबल आर्म्स के ऊपर रिपोर्ट होती है सिप्री की तो रिपोर्ट के अंदर क्या हाईलाइट किया गया कि दो हजार से 2022 तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर के रहा फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड यूक्रेन जो जो और थर्ड नंबर पे है है तो इंडिया जो है वो स लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है ये आपको याद रखना है सेकेंड नंबर पर सऊदी एंड थर्ड पर यूक्रेन एंड यूक्रेन वॉज ऑल्सो थर्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स जो बड़े बेसिकली बड़ी बड़ी मिजाइले बड़े आर्म्स जो होते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के अंदर 2018 से 22 के पीरियड में देखोगे तो फोर्टीन पे था बट अगर सिर्फ 2022 के लिए देखोगे तो थर्ड हो गया क्योंकि वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया में पाकिस्तान एट्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा टू थाउजेंड एटीन ट्वेंटी और इसके जो है वो चौदह से बढ़े हैं इस पीरियड में और चाइना इसका मेन सप्लायर है एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यूएस जो है वो सबसे बड़ी मंडी है हथियारों की सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन्स का 2018 से 22 के पीरियड में भी रहा अराउंड फोर्टी परसेंट जो ग्लोबल एक्सपोर्ट होते हैं आर्म्स के वो यूएस करता है तो सबसे बड़ा मार्केट है सबसे बड़ा बेसिकली सप्लायर है आर्म्स का और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है रशिया जो सिक्सटीन परसेंट ग्लोबल एक्सपोर्ट्स करता है आर्म्स के और देन देर इज फ्रांस ऑन थर्ड फोर्थ इज चाइना एंड फिफ्थ इज जर्मनी ओके एंड यूएस आर्म्स एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो so ये इंक्रीज हुए हैं 2013, 17 और 2018-22 के बीच में और रशिया के कई जो है वो कम हुए हैं रीज़न जो भी रशिया के ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस वगैरह लगी हुई हैं कंट्रीज़ ने बहुत सारे जो रोक लगाए है हुए हैं रशिया के ऊपर वो मेजर रीज़न है इंडिया लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है दुनिया का दो से और 2013-17 और 2018-22 के इन दो पीरियड्स को अगर आप कंपेयर करते हो 13 से 17 और 18 से 22 तो इन दो पीरियड्स के अंदर 11 परसेंट ड्रॉप हुआ है इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट में और उसका मेजर रीजन जो है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है रशिया हमारा लार्जेस्ट आर्म सप्लायर रहा है 2013-17 में भी और 2018-22 में भी फॉलोड बाई फ्रांस दूसरे नंबर पर फ्रांस है उसके अलावा इंडिया इसराइल साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका से भी इम्पोर्ट करता है और अगर हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें कि हम कितना मिलिट्री के ऊपर अपने खर्चा करते हैं तो उसमें इंडिया का जो रैंक है वो फोर्थ है यूएस चाइना और रशिया के बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मेजर जो रीज़न है इंडिया के इंपोर्ट्स का और मिलिट्री एक्सपेंडिचर का वो इंडिया के दो नेबर्स कंफ्लिक्ट नेबर्स पाकिस्तान और चाइना है एज़ पर द रिपोर्ट नेक्स्ट आ जाती है आपकी ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट सो ग्लोबल इनोवेशन का ये फिफ्टींथ एडिशन जो है 2022 में रिलीज किया गया था और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद पॉर्ट इंस्टीट्यूट इसको एनुअली पब्लिश करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो नंबर एक पर तो आपका स्विट्जरलैंड है फॉलोड बाई यूएस एंड स्वीडन और इंडिया का रैंक जो है वो फोर्टी है इसके अंदर जो स्कोरिंग होती है वो सेवन कैटेगरीज के बेस पे होती है जिसमें आपका बिजनेस सफिस्टिकेशन ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट सफिस्टिकेशन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट क्रिएटिव आउटपुट ये सब आ जाता है ठीक है तो ये आपको थोड़े से जो कैटेगरीज है उनको याद रखना पड़ेगा जो थीम था 2022 का इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का वो था व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रीवन ग्रोथ ये इसका थीम था जो आपको याद रखना है इंडिया का जैसे कि मैंने आपको रैंक बताया फोर्टी था अमंग 132 थर्टी जो रैंक uh, किए जाते हैं ओके okay, uh, और इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो इनोवेशन आउटपुट्स के अंदर बेटर था एज कम्पेयर टू इनोवेशन इनपुट्स इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग द 36 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज तो जो ये 132 थर्टी इकोनॉमीज के अंदर 36 सिक्स लोअर मिडल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज है ना उसमें तो इंडिया का पहला रैंक था तो लोअर मिडल इनकम में के तो हम टॉपर हैं एंड सेंट्रल और सदरन एशिया में भी जो 10 इकोनॉमीज थी उसमें भी हमारा रैंक फर्स्ट है और इस रिपोर्ट के हिसाब से विपो क्या बोलता है कि इंडिया जो है वो इनोवेशन लीडर निकल करके आता है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में क्योंकि आपको दिख रहा है कि हम थर्टी सिक्स में भी नंबर एक पे हैं और जो सेंट्रल और सदर्न एशिया की इकोनॉमीज थी उसमें भी हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक बन रहा है नेक्स्ट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ये तो आप जानते ही हो एक बेंचमार्किंग टूल है बेसिकली कंट्रीज को हेल्प करता है कि वो देखें कि उनके जो लॉजिस्टिक्स हैं जो ट्रेड लॉजिस्टिक्स हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या चैलेंजेस हैं वन कंट्रीज के अंदर इसमें रैंकिंग निकाली जाती है ओके और पहली बार इसके अंदर एक नया पैरामीटर भी रखा गया है इसको कैलकुलेट करने में दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेड ओके स्पीड ऑफ ट्रेड इसके अंदर देखा जाता है कि ट्रेड कितना फास्ट हो रहा है और उसके लिए शिप जो शिपमेंट्स होती है ना जैसे आप एमेजोन से कुछ वो बोलते हैं ना योर ऑर्डर इज शेप फिर वो पूरा ट्रैक करता है तो उन शिपमेंट डाटा सेट्स को इसके अंदर स्टडी किया जाता है और फिर स्पीड ऑफ ट्रेड कैलकुलेट की जाती है इंडिया का रैंक फोर्टी फोर्थ था 2018 में और 2023 में थर्टी एट्थ हो गया तो इम्प्रूवमेंट है 139 में से थर्टी एट्थ है हम लॉजिस्टिक्स के अंदर अब इसके अंदर भी अलग अलग जो है क्राइटेरियाज आते हैं अब जैसे इसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है तो 2018 में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो स्कोर था वो फिफ्टी सेकेंड रैंक था हमारा जो अब होकर के फोर्टी सेवंथ हो गया तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है इंटरनेशनल शिपमेंट के अंदर भी हमारा रैंक इंप्रूव हुआ है दो में हमारा फोर्टी रैंक था वो ट्वेंटी हो गया और अगर हम लॉजिस्टिक्स कॉम्पिटेंस एंड इक्वालिटी की बात करें तो वो हमारा फोर्टी रैंक हो गया दो में फिफ्टी सेकेंड था नेक्स्ट आ जाओ ग्लोबल हंगर इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट है जिसको कंसर्न हैंगर लाइफ पब्लिश करते हैं इसके अंदर तीन डायमेंशन होते हैं और चार इंडिकेटर होते हैं इस रिपोर्ट के अंदर जिसके ऊपर रिपोर्ट के एनालिसिस होते हैं तो तीन डायमेंशन कौन से हैं इन फूड सप्लाई चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड अंडर नरिशमेंट ठीक है ये तीन इसके जो है डायमेंशन है और चार इंडिकेटर कौन से हो गए देखो इन फूड सप्लाई के अंदर अंडर नरिशमेंट आ गया चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट आ जाता है और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के अंदर वेस्टिंग और स्टंटिंग आ जाता है हर डायमेंशन यानी कि तीन डायमेंशन है तो हर का वन थर्ड वन थर्ड जो है स्कोर होता है ताकि टोटल आउट ऑफ वन uh, जो है वो स्कोर कैलकुलेट हो जाए ओके सो दीज आर द डायमेंशन एंड इंडिकेटर्स आपको डायमेंशन भी याद रखने हैं और इंडिकेटर्स भी आपको याद रखने हैं ओके okay? और जी एच आई या ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेल्प करता है हंगर को ग्लोबल रीजनल और नेशनल लेवल्स के ऊपर ट्रैक करने के लिए अब अंडर नरिशमेंट देखो जो या आपका यहाँ पर इन एडिकुएट फूड सप्लाई के अंदर बेसिकली ये क्या देखता है कि जो कैलोरी इनटेक है जो कैलोरीज जा रही हैं फूड के थ्रू क्या वो सफिशियंट है चाइल्ड वेस्टिंग देखता है अगर बच्चे का उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है ठीक है वो अंडर न्यूट्रिशन की ही निशानी है चाइल्ड स्टेंटिंग होता है एज के हिसाब से हाइट का कम होना वो भी अंडर न्यूट्रिशन का ही एक साइन है और चाइल्ड मोर्टेलिटी इज फॉर चिल्ड्रन डाई बिफोर देयर फिफ्थ बर्थडे तो वो चाइल्ड मोर्टेलिटी में आ जाता है तो ये सारी चीजें जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर देखी जाती है ओके और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखा गया कि साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग के केसेस हैं सब सहारन साउथ सहारन कंट्रीज जो है अफ्रीका में उसमें सबसे ज्यादा केसेस अंडर नरिशमेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के हैं इंडिया का जो स्कोर है था जो काफी हाई या जो है वो है और हमारा रैंक डिटीरियो तो हुआ है दो हजार बाईस में इक्कीस के मुकाबले रिपोर्ट बोलती है कि सोलह पॉइंट तीन परसेंट भारत की जो पॉपुलेशन है वो अंडर नरिस्ट है और नाइनटीन पॉइंट थ्री परसेंट चिल्ड्रन जो है पांच साल से छोटे चिल्ड्रन अंडर आर स्टंटेड और 3 .3 की हमारे पर चाइल्ड मोर्टैलिटी भी है इंडिया का इतना बुरा हाल है इस केस में इस रिपोर्ट के हिसाब से कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली हमसे शायद काफी नीचे हैं जैसे कि बांग्लादेश नेपाल और श्रीलंका वो भी हमसे बेटर परफॉर्मेंस में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में नेक्स्ट आ जाती है आपकी यूएन एड्स रिपोर्ट सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश करता है आपका यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स एच आई वी एड्स ओके ग्लोबल फाइंडिंग्स इसके अंदर बेसिकली देखा गया कि जो एच आई वी के लिए कैंपेन चल रहा था पूरी दुनिया में उसमें पिछले दो सालों में काफी ज्यादा रोक आई कोविड पैंडेमिक की वजह से और रिसोर्स करंज था हेल्थ इशू थे तो जो पैसा एड्स की तरफ जाना था वो भी कोविड की तरफ चला गया ओके okay? नंबर ऑफ़ न्यू इन्फेक्शन ड्रॉप्ड ओनली थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट सिर्फ तीन पॉइंट छह परसेंट से इन्फेक्शन कम हुए दो हजार बीस और इक्कीस के अंदर और ये स्मॉलेस्ट एनुअल डिक्लाइन था दो हजार सोलह के बाद और अगर करंट ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा uh, तो 2025 तक अराउंड 1.2 मिलियन नए लोग एच आई इन्फेक्टेड हमें मिलेंगे इंडिया के केस की अगर हम बात करें तो इंडिया में रिडक्शन देखी गई हैं एच आई के अंदर एशिया और पैसिफिक में केस बढ़ रहे हैं बट इंडिया के अंदर कम है तो ये एक अच्छा पॉइंट जो है इंडिया से रिलेटेड इन्होंने हाईलाइट किया रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया जो अमंग थर्टी ट्यूबर क्लॉसेज एच हाई बर्डन नेशन में आता है जहां पर टीबी और एच दोनों हाई हैं इज अमंग द एट कंट्रीज जिनमें डिक्लाइन देखने को मिला बोथ टीबी रिलेटेड डेथ्स में और एच रिलेटेड डेथ्स के अंदर भी ओके okay? इंडिया ऑल्सो फिगर्ड द टू कंट्रीज विच सॉ मोस्ट सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एच आई वी इन्फेक्शन कोविड के चलते हुए भी हमारे पर काफी अच्छा रिडक्शन जो एच आई वी में देखने को मिला बाकी दुनिया के मुकाबले ठीक है एट परसेंट डिक्लाइन था थेरेपी uh, को प्रोवाइड करने में टू पीपल लिविंग विद एच आई वी इन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी तो ये सारा डाटा जो है वो इंडिया स्पेसिफिक आ जाता है नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल टीबी रिपोर्ट की तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में देखें तो ट्यूबर जो है वन ऑफ द टॉप इन्फेक्शियस किलर्स रहा इन द वर्ल्ड स्पेशली ऑफ पीपल विद एच एच आई लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट uh, uh, करता है टीबी द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ इसको रिलीज करता है एंड रिपोर्ट नोट्स दैट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइनटीन पेंडेमिक ऑन द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड बर्डन ऑफ डिजीजेज फॉर टीबी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके बाद की फाइंडिंग्स देखें टीबी इंसिडेंस की अगर हम बात करें सो एस्टिमेटेड 10.6 मिलियन पीपल एस्टिटेड टीबी इन 2021 ये uh, 2020 के मुकाबले साढ़े चार परसेंट इंक्रीज था 1.6 मिलियन लोग मरे टीबी से जिसके अंदर एच पॉजिटिव लोग भी इंक्लूडेड हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और ये तीन लोगों में ज्यादा देखने को मिला दो हजार में न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो अंडर न्यूट्रिशन जो है वो एक मेजर फैक्टर बनता है एक्टिव टीबी डिजीजेस के केस में भी सो दीज वर द रिपोर्ट्स दैट वर टू बी डिस्कस्ड अभी कुछ और रिपोर्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे बट अगेन कुछ लेक्चर्स अब एमसीक्यूज के देखेंगे और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो है वो बोरियत ना हो ओके चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों एंड आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना है कोई डाउट हो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो एंड कमेंट भी कर सकते हो चलिए मिलेंगे एंड take it